हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज शाम में एक शादी है, तो शादी के लिए हम तैयार हो गए हैं और अब शादी के लिए जो है वो हम लोग निकलने लगे हैं, तो रेडी हो गए हैं। तो चलो शादी पे चलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैच इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, तो वही हुआ कि मैच हम लोग जीत चुके हैं। बारिश हो गई, और मैच वैसे हो भी जाता तो भी आज जो है फ़खर जमान और बड़े फॉर्म में थे, तो वो कोई प्रॉब्लम ना करता। तो चलें फिर देखते हैं बाकी सब क्या क्या तैयारी करें। शावेज, शायान और शाहजमान सबको चेक करते हैं। शावेज रेडी हो चुके हो? अभी आपने नीचे ट्राउजर पहना हुआ है ना? मम्मा ये बटन बांधते हैं क्या? नहीं, खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मामा भी रेडी। और अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरी चिड़ियाँ भी शादी पे जाने के लिए रेडी हैं। और आप लोग एक्साइटेड हो? जी। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? बहुत। देख सकते हैं कि शाहजमान भी शादी पे जाने के लिए रेडी हैं। आपने भी बच्चों की तरह ब्लैक, अच्छा हम पूरी फैमिली आज ब्लैक पहने हुए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फुल जो लुक है ड्रेस की वो कैसी आ रही है। तो और अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी शादी के जाने के लिए कंप्लीट रेडी हूँ। ये भी कंप्लीट लुक है। तो चलो फिर शादी पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन होता है। शादी हॉल हम पहुँच चुके हैं, अब आगे चल के देखते हैं क्या सीन है, फिर आप लोगों को भी बताते हैं। सब पहुँच चुके हैं। दादो से बच्चे मिल गए हैं इस टाइम, और माशाल्लाह दादो आप प्लीज खड़ी हो, ये अच्छे लगे। अब शायना और हम लोग बैठे हुए हैं, लाइट्स काफ़ी तेज़ हैं। तो शावेज अभी जो है वो बारात अभी पहुंची है, हम लोग खुद बाराती हैं, वैसे आपस की बात है। A few inches later. खाना मैंने डाल दिया है, चावल है, मटन है, कबाब है, रोस्ट है, और साथ में सैलड भी है। और बच्चे भी सब ये इंजॉय कर रहे हैं, सब खाना खाने में बिजी हैं। पीछे के नाम पे ट्राइफल है जो कि मीठा ही है बस। शादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब हम सारे लोग जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों के इंतज़ार में हैं। शाहजमान गाड़ी लेने गए हुए हैं, वो लेकर आए तो हम भी निकलते हैं। और आई थिंक ये दूल्हा की कार है। और आज की अच्छी बात आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि अपने रिश्तों में कभी भी अना को मत आने दें, कभी भी अपनी अना को इतना बुलंद ना करें कि वो रिश्ते आपसे छिन जाएँ। क्योंकि जो भी अल्लाह पाक ने आपको रिश्ते दिए हैं, उनके लिए अना को पीछे रख के अपने आप को झुकाने में कोई फ़र्क नहीं है। ये याद रखिएगा कि हमेशा फल उसी टहनी को लगता है जो झुकती है, फलदार टहनी झुकती है। जो अकड़ करती हैं वो तो टूट जाते हैं, वो उन पर कभी भी फल नहीं आता। तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए अगर आपको अपनी जो अना है उसको कुर्बान करना पड़ता है और अपनी अना को छोड़ना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि रिश्ते बचा लें, अना को दफ़ा करें, झुक जाने में कोई हर्ज नहीं, पहल करें और अपने रिश्तों को महफूज रखें। और थक हार के हम लोग घर वापस आ चुके हैं, और बस अब कपड़े वगैरह चेंज करूंगी और बहुत रात हो रही है और सो जाऊंगी। और फिर इंशाल्लाह कल वलीमा है, तो कल आप लोगों को वलीमे का व्लॉग दिखाऊंगी कि वलीमे पे क्या क्या सीन करते हैं हम आज। तो चलें ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।